हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gtamodeplays.com यूट्यूब चैनल और gtamodeplays.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद वकास कमर। आप देख रहे हैं gtamodeplays.com यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सैनर्जीज के नए ग्राफिक्स मोड के बारे में कि हमने उसको कैसे इंस्टॉल करना है और उसको डाउनलोड करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मोड का नाम बता देता हूँ। मोड का नाम जो है वो है रेन भूमि वर्जन 2.1, जिसके अंदर आप को टोटली कार्स के कलर्स वगैरह चेंजिंग हो जाएगी और भी इसके अंदर बहुत प्यारे ग्राफिक्स जो है वो आपको नज़र आने वाले हैं। अगर आप अपनी सैनिटरीज को, ओल्ड सैनिटरीज और इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद चेक करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़र्क नज़र आने वाला है। तो चलिए अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtamodeplays.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमने रेन भूमि मोड को कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड का जो मेथड है बिल्कुल सिंपल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिलेगा, आपने जस्ट क्लिक करना है इस लिंक पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस लिंक पर, आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी gtamodeplays.com। आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप इसके ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल ग्राफिक्स हैं इसके। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास लिंक्स के आगे क्लिक हेयर होगा, आपने जस्ट क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे आपके पास 10 सेकंड आपने वेट करना है यहाँ पर। ये देखें, जैसे ही आपके पास 10 सेकंड कंप्लीट होंगे आपको वो ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल ड्राइव पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपने क्या करना है, जस्ट डाउन के एरर पर क्लिक करना है और डाउनलोड एनीवेयर पर क्लिक करना है और आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। जब आपके पास डाउनलोड हो जाए कुछ इस फाइल में आएगा, लेकिन उससे पहले जो है वो आपके पास एक फ्रेश सैनिटरीज इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके पास सैनिटरीज नहीं इंस्टॉल तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को वॉच कर लें, मैंने अलग से अपलोड की हुई है हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल GTS सैनिटरीज हाईली कंप्रेस में। आपने इस वीडियो को वॉच करके जो है वो फ्रेश सैनिटरीज जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ, जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए सैनिटरीज, आपके पास कुछ इस फाइल में आएगा ये मोड, आपने इसको राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आप रीड मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास मेरी डिटेल आ जाएगी, मेरा यूट्यूब का चैनल का URL और इंस्टाग्राम। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, फेसबुक पर भी, और फेसबुक ग्रुप पर भी ज्वाइन हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले ऐसे रेन भूमि का फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जहाँ आपकी सैनिटरीज इंस्टॉल है आपने उसमें जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर रिप्लेस दी फाइल्स पर क्लिक करता हूँ और हमारा मोड जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास एक हाई एंड PC है, ENB ग्राफिक्स के फोल्डर को ओपन करता हूँ और हाई में जाता हूँ, या अल्ट्रा हाई और हाई। अगर आपके पास एक लो एंड PC है तो आप वेरी लो यूज़ करें। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा PC है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड भी है तो आप लो यूज़ करें। अगर थोड़ा सा और अच्छा है तो आप मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं, हाई यूज़ कर सकते हैं और अल्ट्रा हाई। मेरे पास आप देख सकते हैं PC की रिक्वायरमेंट, तो मैं अल्ट्रा हाई पर जाता हूँ और इसको Ctrl+A करके कॉपी करता हूँ, Ctrl+C। उसके बाद क्या करता हूँ, अगेन आप गेम में आता हूँ, सैनिटरीज में इन सारी फाइल्स को जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास विंडो 10 इंस्टॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जो है वो विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, विंडोज 10 फिक्सर के अंदर आना है और इन सारी फाइल्स को कॉपी करना है। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडो 10 फिक्सर को रहने दें, इसको स्किप कर दें और अपनी गेम को जो है वो इस वाली एग्जी से रन कर सकते हैं। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपने विंडो 10 वाले फिक्सर की फाइल्स कॉपी करनी और सैनिटरीज में पेस्ट कर देनी। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा होगा फाइल, ये रन एडमिन फॉर ENB, आपने इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके अपनी गेम को रन कर लेना है। और अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप GTA SA वाले आइकन से क्लिक करके रन कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल gtamoteplace.com सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।